नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अनोखा, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट और बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भगवान बजरंगबली की असली की फोटो के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों ने बजरंगबली की इस फोटो को तो बहुत अच्छे से कई बार देखा होगा। कई सारे लोग ये दावा करते हैं कि भगवान बजरंगबली की ये फोटो कोई बनावटी फोटो नहीं बल्कि असली फोटो है, तो बहुत सारे लोग इसके ऊपर ट्रस्ट भी कर लेते हैं और बहुत सारे लोगों को ये एक बात की अफवाह भी लगती है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, सन 1998 की ये फोटो दुनिया की सबसे बड़ी मिस्टीरियस फोटो है, और आज अगर आप लोग इस फोटो से जुड़ी हुई कहानी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। दोस्तों ये बात है सन 1998 की एक शाम की, जब एक सीनियर फोटोग्राफर जिसका नाम था सुब्रमण्या, वो अपने घर पर आराम कर रहा था। अचानक से उसके घर का दरवाजा कोई खटखटाता है। जैसे ही सुब्रमण्या जाकर अपने घर का दरवाजा खोलता है तो दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था एक पूरी तरह से अनजान इंसान, जिसके चेहरे में बहुत ही ज्यादा डर था, वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। सुब्रमण्या ने उससे पूछा कि आप कौन हो, क्या चाहते हो, तो स्ट्रेंजर ने उसके हाथ में एक कैमरे का रोल थमाते हुए कहा कि इसमें कुछ ऐसी फोटो है जो आपको बहुत ज्यादा चौंका सकती है, यह बहुत ही हैरान कर देने वाली फोटो है। उस जमाने में दरअसल कैमरे जो रोल वाले होते थे वो चलते थे, निगेटिव्स होती थी और उनको मतलब डेवलप करके उससे फोटो बनाई जाती थी। तो सुब्रमण्या एक फोटोग्राफर था, तो स्ट्रेंजर सुब्रमण्या के पास वो रोल लेकर पहुंचा था। स्ट्रेंजर ने यह बताया कि मैं, मेरा बेटा और मेरा एक दोस्त, हम लोग मानसरोवर घूमने के लिए गए थे, ट्रैकिंग कर रहे थे, और ट्रैकिंग करते टाइम हम एक दोपहर बिल्कुल थक गए थे, तो हम एक गुफा के पास आराम कर रहे थे। हमारी हल्की हल्की नींद ही लगी थी कि अचानक से गुफा के अंदर से कुछ अलग तरह की आवाजें आने लगी। हमारी जैसे ही नींद खुली तो हमने वो देखा जिसे देखकर हमारे पैरों तले जमीन निकल गई। हमने ये देखा कि उस गुफा के अंदर से, जो गुफा बिल्कुल काली अंधेरी गुफा थी, अलौकिक रोशनी निकल रही है। वो रोशनी इतनी ज्यादा ब्राइट थी, इतनी ज्यादा चमकदार रोशनी थी कि मानो सूरज की रोशनी भी उसके सामने फेल हो जाए। अब जो मेरा बेटा था वो बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी के साथ अपना कैमरा उठाता है और बोलता है कि मैं अंदर जाकर ये फोटो जरूर खींचूंगा कि अंदर आखिर है क्या ऐसा। अब यहां पर उस स्ट्रेंजर ने अपने बेटे को रोकने की बहुत कोशिश किया, स्ट्रेंजर के दोस्त ने भी उस लड़के को रोकने की बहुत कोशिश किया, लेकिन वो नहीं रुका और उनका हार्ड झटका के कैमरा उठा के गुफा के अंदर चले गया। अब गुफा के अंदर वो जैसे ही गया ही है और कुछ ही सेकंड बाद वो जो रोशनी निकल रही थी गुफा से वो पूरी तरह से गायब हो गई। गुफा बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देने लगी। स्ट्रेंजर का बेटा अभी भी गुफा के अंदर ही था। बाहर खड़े हुए स्ट्रेंजर और स्ट्रेंजर का दोस्त बहुत ज्यादा घबरा गए और घबराहट के मारे अपने बेटे को देखने के लिए वो गुफा के अंदर दौड़ते हुए गए, तो ये पाए कि गुफा पूरी तरह से नॉर्मल है, गुफा में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब इधर उधर अपने बेटे को ढूंढा तो ये पाया कि उसका बेटा नीचे जमीन पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। जैसे ही उसने ये देखा तो उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कैमरा भी नीचे पड़ा हुआ था और कैमरा थोड़ा सा डैमेज हो चुका था। स्ट्रेंजर ने यह पूरी कहानी बताते हुए सुब्रमण्या से यह कहा कि मुझे यकीन है कि मेरे बेटे ने उस दोपहर इस कैमरे से जरूर कुछ ना कुछ क्लिक किया था जो बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाला हो सकता है। मुझे यकीन है कि अंदर कुछ ऐसा था जिसकी एनर्जी को मेरा बेटा सह नहीं पाया, इसी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर ने हार्ट फेल के बारे में बताया। अब 16-17 साल का लड़का हार्ट फेल की वजह से मर जाए, ये बहुत ही ज्यादा अचंभे में डाल देता है। सुब्रमण्या उसकी बातों को मान लेता है और स्ट्रेंजर कहता है कि आप इसे डेवलप करके रखिए, मैं कुछ दिनों बाद आऊंगा और आपसे ये तस्वीर लेकर जाऊंगा। सुब्रमण्या को लगता है कि इस फोटो को डेवलप करने के लिए मुझे किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो कावेरी कलर लैब नाम का एक दुकान है जो कि मंड्या कर्नाटका में है, सुब्रमण्या भी मंड्या के ही रहने वाले थे, तो उन्होंने वहां से मिस्टर पन्नी नाम के अपने एक दोस्त को बुलाया। मिस्टर पन्नी उनके पास पहुंचे और सुब्रमण्या और मिस्टर पन्नी ने दोनों ने मिलकर वो फोटो को डेवलप करना शुरू किया। ये जो फोटो थी ना कैमरे की, ये बहुत ही ज्यादा ब्राइट थी और बहुत ही ज्यादा ब्लर थी। काफी ज्यादा मशक्कत करने के बाद वो फोटो थोड़ी क्लियर हुई। जैसे भी करके कंट्रास्ट और ब्राइटनेस को एडजस्ट किया गया होगा तो एक फोटो सामने आई जो बिल्कुल लैसी दिखाई दे रही थी। जब मिस्टर पन्नी और सुब्रमण्या ने ये फोटो को ध्यान से देखा तो वो समझ गए ये फोटो असली फोटो नहीं बल्कि एक मजाक है और वो स्ट्रेंजर ने इनके साथ कोई मजाक किया है। ये सोचकर वो बहुत ज्यादा भड़क गया क्योंकि वहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा था कि हनुमान जी है। हनुमान जी के हाथों में देखकर ऐसा लग रहा था कि कुछ संस्कृत में लिखी हुई किताब है और वो कहीं बैठकर ये किताब पढ़ रहे हैं।
वो समझ जाता है कि ये पूरी तरह की नकली फोटो है, मतलब उसने कहीं ऐसा खींचा है फोटो को, और वो गुस्से के साथ उस स्ट्रेंजर का इंतजार करने लगता है। कुछ दिनों बाद स्ट्रेंजर उसके पास पहुंचता है वो फोटो लेने के लिए। जैसे स्ट्रेंजर वो फोटो लेने के लिए पहुंचता है तो सुब्रमण्या बहुत ज्यादा भड़क जाता है। सुब्रमण्या ने उस आदमी से कहा कि इस तरह का मजाक करके तुमने ठीक नहीं किया, किसी नकली इंसान को बजरंगबली बना के तुमने उसकी फोटो खींच ली और वो रोल मुझे प्रिंट करने के लिए दे दिया ये कहकर कि इसमें कुछ अनोखी चीज है, अलौकिक चीज है, निकल जाओ यहां से वरना मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा। तब रोते हुए उस आदमी ने ये प्रूव दिया कि देखो मेरा बेटा सचमुच में मर चुका है और उसको मरे हुए इतने इतने दिन हो चुके हैं। उसने अपने घर का पता भी दिया, यकीन नहीं होता बोला तो मेरे घर पर जाके मेरी पत्नी से भी सारी बातें पूछ लेना, आपको वही सब पता चलेगा जो मैंने बताया हूं। ऐसा कह के वो आदमी सुब्रमण्या से उस फोटो के कुछ प्रिंट्स लेकर वहां से निकल जाता है। सुब्रमण्या ने अपने पास उस फोटो के कुछ प्रिंट और रखा हुआ था। अब उस गए हुए कुछ दिन होते ही है, यहां पर सुब्रमण्या के मन में लगने लगता है यार कुछ तो गड़बड़ हो गई, कुछ तो कमी रह गई, क्या मैंने कहीं उस आदमी को गलत तो नहीं बोल दिया। मतलब इन शॉर्ट सुब्रमण्या ये समझना चाहता था कि आखिर इस चीज के पीछे कितनी सच्चाई है। कुछ दिनों बाद सुब्रमण्या उसके बताए हुए पते पर पहुंच जाता है। बताए हुए पते पर पहुंचता है तो वहां पर मिलती है उसकी पत्नी, उस स्ट्रेंजर आदमी की पत्नी। उस स्ट्रेंजर आदमी की पत्नी बताती है कि मेरे पति का नाम सूर्य नारायण शास्त्री है और अभी से कुछ दिन पहले मेरे पति हमेशा हमेशा के लिए लापता हो गए। इतने दिन हो गए मेरे पति घर पर लौट के ही नहीं आए, हमने पुलिस में भी कंप्लेन करा है लेकिन कुछ भी सुराग नहीं मिला। मेरे बेटे की भी मौत हो चुकी है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं अपनी जिंदगी में क्या करूंगी। ऐसी बात की फिक्र लेकर सुब्रमण्या वापस अपने घर पहुंच जाता है। फिर कुछ दिन बाद सुब्रमण्या के मन में आता है कि एक बार जाके उसकी पत्नी का हाल चाल पूछूं, उसे अगर पैसों की कोई जरूरत होगी तो मैं उसके पैसों से कुछ मदद कर दूं। सुब्रमण्या वापस से बैंगलोर, जी हाँ बैंगलोर का रहने वाला था वो, बैंगलोर जाता है ये पता करने के लिए कि आखिर उसके घर में ठीक है कि नहीं, वो आदमी वापस पहुंचा कि नहीं। तो ये पाता है कि उसकी पत्नी भी अब घर पे नहीं थी। आसपास के लोगों से पता करने पर ये पता चलता है कि उस औरत की भी मृत्यु हो चुकी है, उस लड़के की भी मृत्यु हो चुकी थी जिसने वो फोटो खींचा था। सूर्य नारायण शास्त्री यानी कि उस लड़के का पिता भी लापता हो चुका था और अब कुछ दिन बाद उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी थी। आखिर क्या चल रहा था ये, किस चीज का रहस्य था ये, क्या बताना चाह रही थी वो अलौकिक रोशनी। धीरे धीरे करके सुब्रमण्या ने वो सारी बातें भुला दिया, लेकिन वो नहीं भुला पाया तो सिर्फ एक चीज, उस कैमरे से निकली हुई वो अलौकिक फोटो। धीरे धीरे करके वो फोटो पूरी दुनिया में वायरल हो गई और आज पूरी दुनिया के लोग उस फोटो को देखकर ये समझते हैं कि ये बजरंगबली की असली फोटो है। मुझे नहीं पता कि ये फोटो असली है कि नकली, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा रहस्यमयी और मिस्टीरियस फोटो है जिसकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई है और ना ही कभी शायद सुलझ पाएगी। उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि मुझे यकीन है पूरे YouTube में पहली इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैंने ये दिया हूं, इस रहस्य के ऊपर पूरी स्टोरी मैंने कवर किया हूं। दोस्तों इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, मेरी क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। अगले वीडियो को लेकर कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए कल फिर से एक और बहुत ही हैरान कर देने वाली जानकारी के साथ आप लोगों के सामने जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।